जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन बच्चों की स्कूल ओपन किए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए काफ़ी दिनों के बाद में मुझे मौका मिला है वीडियो अपलोड करने का, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो शुरू करते हैं एक और जन्म कुंडली का अध्ययन। ये जो जन्म कुंडली है, ये सुमन छेत्री जी की सुपुत्री राधा छेत्री जी की है। तो सुमन छेत्री जी, आपने जो डिटेल दी है वो मैच कीजिए। राधा छेत्री नाम 18 अक्टूबर 2009 5:20 PM बर्थ टाइम दंतेवाड़ा बर्थ पैलेस। पूछा है आपने एजुकेशन, फैमिली लाइफ और गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो डिटेल दी है उसके अनुसार मीन लग्न है 26 डिग्री का लग्न है, अर्थात वृद्धावस्था की ओर अग्रसर लग्न है। जैसे एक वृद्ध में बल होता है, ऐसा ही बल इनके लग्न में है, 26 डिग्री का है। तुला राशि, प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष, गण राक्षस, पाया लोहे का, नाड़ी मध्य। अब देखते हैं इनके जो ग्रह है, सबसे पहले एजुकेशन की आपने पूछी, प्रारंभिक शिक्षा बात करें, जो दूसरा भाव होता है प्रारंभिक शिक्षा का होता है, फिर उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद पंचम भाव शिक्षा का, अर्थात 10वीं क्लास है, 11वीं 12वीं क्लास है, उच्च शिक्षा के लिए फिर अष्टम भाव। देखा जाए तो मंगल नीच के होकर पंचम भाव में कर्क राशि में विराजमान है। मंगल मीन लग्न के लिए द्वितीय भाव और भाग्य भाव अर्थात नवम भाव के स्वामी होकर नीच के होकर पंचम भाव में बैठे हैं केतु के साथ। बात करें सूर्य और चंद्रमा अमावस दोष का निर्माण करते हुए अष्टम भाव में, जहां सूर्य तुला राशि में नीच के ऊपर बैठे हैं। लग्न के स्वामी गुरु एकादश भाव में मकर राशि में राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाते हुए नीच के ऊपर बैठे हैं। तो लग्न लग्नेश अर्थात दशम भाव कर्मेश का स्वामी नीच का होकर बैठा है, गुरु राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाते हुए सूर्य चंद्रमा अमावस दोष बनाते हुए सूर्य नीच का होकर बैठा है, चंद्रमा के घर में मंगल नीच के होकर बैठे हैं। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य योग हम कहें, देखो मंगल गुरु सूर्य शुक्र भी नीच का सप्तम भाव में, उच्च के बुध के साथ शनि के साथ बलि होकर बैठा है, लेकिन बुध बच्चा है, नपुंसक ग्रह है, तो ये ऐसा फल देता है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस ग्रह की दशा अंतर दशा आती है उसके अनुरूप ही ये फल देता है। राहु की दशा 27/11/2018 राहु की दशा 27/11/2018 तक मीन लग्न के हिसाब से सही नहीं है, पर तुला राशि के हिसाब से राहु सही फल देगा ठीक ठाक। बुध की अंतर दशा 27/5/2021 तक है, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है।
शनि शुक्र की युति, सिर दर्द, पैर दर्द आदि की समस्याएं देती हैं। चंद्र सूर्य का मैंने वीडियो डाल रखा है, नौवस्तों से अच्छा नहीं है। मंगल पीड़ित, गुरु पीड़ित, सूर्य पीड़ित, शुक्र नीच का, सूर्य मंगल और गुरु पितरों के कारक होते हुए नीच के ऊपर बैठे हैं, तो पितृदोष 100% है, पितृदोष का निवारण अवश्य करवाइए। प्रथम भाव की, पंचम भाव की, नवम भाव की कारक ग्रह सूर्य मंगल गुरु नीच के ऊपर बैठे हैं, तो किसी भी एंगल से देखा जाए तो शुभ स्थिति नहीं है। राहु की दशा 2028 तक है, कहां पढ़ाई करने देगा? जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आने देगा। इंसान गलत डिसीजन ले लेता है ताकि वो जिंदगी भर पछताता रहे, तो सोच समझ कर निर्णय लेवाइएगा इनसे। अभी 2028 तक आपको काफी इनके साथ रहना पड़ेगा। ये जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर आप जाइए, इनकी देखभाल कीजिए, इनको आप साथ में, इनके साथ में बैठ के पूजा पाठ कीजिए, इनसे गायत्री जप करवाइए, इनसे नारायण भगवान की सेवा भी आप करवाइए। जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र का जाप, गोमूत्र का उपयोग अपने घर में कीजिए, इनको भी, इनके खाने की चीजों में भी आप गोमूत्र का सेवन अवश्य करवाइए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। देखिए जो योग है, जो है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। 2028 तक आपको इनके साथ में जी तोड़ मेहनत करनी है, इनको संभालना है। अगर एक बार इनको अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया, फिर ये सही राह पकड़ लेंगे। गुरु हमारा ज्ञान है, विवेक है, मैनेजमेंट है, वो ही राहु के साथ गुरु चांडाल दोष और नीच का होकर बैठा है, लग्नेश कर्मेश, तो कुंडली में रह क्या गया। सूर्य पीड़ित, सप्तम भाव मजबूत नजर आ रहा है, बुध उच्च का बैठा है, शनि दिग बली होकर बैठे हैं, शुक्र उसमें बली होकर बैठा है, बुध भी बली होता है सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव अभी एक्टिवेट कहां से होगा? सप्तम भाव स्पोज का होता है, पति पत्नी का भाव होता है। तो आपने जो पूछी एजुकेशन, फैमिली लाइफ, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के चांस नहीं के बराबर है, बहुत ही साधारण जीवन रहेगा, परेशानियों भरा। जैसी 2028 बीतेगी गुरु आएंगे नीच के होकर, वो भी कमजोर अवस्था में रहेंगे क्योंकि वो भी राहु से पीड़ित है, नीच के होकर बैठे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए, ध्यान दीजिए, संभालिए, और संभाल लेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। टीचिंग क्षेत्र इनके लिए अच्छा रहेगा, इनसे कहिएगा नाखून काट कर रखें, अपने जो भी कपड़े हैं उनको साफ रखें, बिस्तर साफ रखें, उठते के साथ उनकी तय बना दीजिएगा, कुत्ते को रोटी, चींटियों को आटा अवश्य डालिए, भगवान श्री गणेश की इनसे सेवा करवाइए, अद्भुत लाभ मिलेगा। पितृदोष का भी निवारण आप अवश्य करवाइए। अभी आप किसी योग्य पंडित से आप इनकी जन्म कुंडली अच्छे से बनवाइएगा, ताकि आपको समय समय पर आप उसकी मदद से बहुत कुछ आप सुधार कर सकते हैं। अभी बच्चा बुद्धि रहेगी इनके अंदर, तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा, रहिएगा। इसी के साथ ही विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।